प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर बेटा आपका 4 है, लॉज मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पे आ चुके तो क्या कह रहा है कि टू मासेस है बेटा, एक का मास 8 kg, एक का मास 12 kg है, आर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ लाइट इंस्टेंसिबल स्ट्रिंग। तो बेटा देखिए, ये बेटा आपके दो बेटा मास है आपके, बेटा क्या देखो आपका, ये आपके दो बेटा आपके क्या है, स्ट्रिंग से बेटा, आपके एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। गोल्स ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, बेटा किसे देखो बेटा जा रहे, देखो आपका ये फ्रिक्शनल पुली से बेटा आपका गोल्स ओवर हो रहा है आपका। हमको बेटा एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑफ द मासिस एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द मासिस आर रिलीज, और एक बेटा हमको इसमें टेंशन हमको फाइंड करना है और एक एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखिए देखिए यहाँ पर ये आपका 12 kg है, ये बेटा आपका 8 kg है। तो देखिए जिसका मास ज्यादा होता है बेटा क्या होता है बेटा आपका, वो आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर ही होती है। तो देखिए 12 kg बेटा क्योंकि ज्यादा वेट है इसका, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, टुवर्ड द आपका हैवी वेट होगा आपका। और यहाँ बेटा जब ये आपके ऐसे जाएगा तो डैट केस में ये वाला ऑब्जेक्ट क्या जाएगा आपका, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखो डायग्राम को बता देता हूँ आपको मैं, ये आपका 8 kg बेटा आपका हो गया, इसका मास कितना m1 है, इस पे बेटा वेट कितना लगेगा m1g लगेगा, इस पे बेटा टेंशन टी लग रहा है बेटा आपका, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग पे बेटा टेंशन एक ही लगेगा। ठीक है, ये आपका 12 kg है, इस पे बेटा मास कितना आपका m2 है, इस पे बेटा वेट कितना आपका m2g है बेटा इसका। तो बेटा देखिए क्योंकि बेटा इसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो डैट केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, टूअर्ड द ये होगा आपका 12 kg। तो ये बेटा आपका ऐसे जाएगा और बेटा ये आपका 8 kg वाला मोशन कैसे करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और 12 kg वाला करेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आपको डायग्राम समझ में आपको आ गया है, आप बेटा इसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन बेटा देखिए हमको क्या गिवन है यहाँ पर आपका, हमको मास गिवन है 8 kg, हमको m2 गिवन है आपका 12 kg, और टेंशन बेटा हमको टी बेटा हमको निकालना है। द हैवियर मास m2 विल बी मूव डाउनवर्ड एंड द स्मॉलर मास m1 विल बी मूव अपवर्ड। तो देखिए वही मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपका, कि बेटा जो आपका है आपका लाइटर मास है m1, वो आपका ऊपर जाएगा और आपका हैवियर मास बेटा आपका नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑन अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ है ना, तो बेटा न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं फॉर मास m1, फॉर मास m1, जरा यहाँ पर बेटा मास m1 पे बेटा हम लोग आपका आते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर न्यूटन्स लॉ बेटा आपका अप्लाई करते हैं इस केस में आपका, देखिए अभी इस केस में बेटा एक्चुअली क्या हो रहा है कि मास बेटा आपका आपका उसका वेट नीचे लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा वेट देखिए, और बेटा आपका एक्सेलरेशन कहाँ पर हो रहा है, आपका ऊपर हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से बेटा एक चीज़ यहाँ पर पता चल रही है कि टेंशन बेटा क्या आपका ज़्यादा है और बेटा आपका वेट क्या है कम है, जब भी तो बेटा आपका एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ है। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से मान सकते हैं, सपोज यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है आपका 5, और बेटा सपोज का बेटा आपका इसका वेट कितना है 3, तो बेटा देखिए कितना डिफरेंस बेटा आपका आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो टेंशन क्या है आपका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आपका 5 - 3 बेटा ज़्यादा है, और बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका 2। तो 2 बेटा क्या है, यही वो फोर्स है जो बेटा क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आपका करा रहा है। तो ये बेटा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ठीक है समझाने के लिए। तो 5 बेटा यहाँ पर क्या है, 5 बेटा यहाँ पर आपका टेंशन है, -3, 3 बेटा हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर इसका वेट कितना m1g, बराबर 2 बेटा क्या है, 2 ये वो है जो उसको रेस्पॉन्सिव है, जो उसको एक्सेलरेशन करा रहा है, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, m1a बन जाएगी। ठीक है, m1a बेटा इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए यही लॉजिक इस यहाँ पर लगा हुआ है आपका, क्योंकि आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इसको वही बेटा आपका क्या होगा, t बेटा क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन किस होना चाहिए आपका, m1g से ग्रेट होना चाहिए। जितना ग्रेटर होगा बेटा उतना ही बेटा क्या होगा, इसमें आपका एक्सेलरेशन आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन बेटा आपकी बन गई है, देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या बनी आपकी, टी माइनस m1g बराबर m1a। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपकी ये बन गई है। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिए सेकंड केस में बेटा हम लोग कर रहे हैं, अब सेकंड केस में m2 के केस में जरा देखते हैं यहाँ पर आपका। तो m2 केस में पहले देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है किससे आपका, टेंशन से बेटा क्या है, इसका वेट अभी ज़्यादा है किससे, टेंशन से, डेट्स व्हाई बेटा क्या आपका ये टूवर्ड द बेटा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। वही सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, सपोज बेटा इसका वेट कितना 5 है और टेंशन बेटा कितना क्रिएट हो रहा है, 3 क्रिएट हो रहा है। तो देखिए बेटा कितना डिफरेंस यहाँ पर आपका, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो
मतलब 5 बेटा क्या है, ज्यादा है 3 से। कितना बेटा ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा बेटा 4 ज्यादा है ना, तो मतलब 5 - 3 बराबर 2। तो यहाँ बेटा 5 क्या है आपका, 5 है आपका m2g, ठीक है। माइनस 3 बेटा क्या है, पर टेंशन है आपका यहाँ पर, है ना। 3 बेटा क्या आपका टेंशन है, और 2 2 बेटा क्या है जो उसको एक्सलेशन करा रहा है, m2 इंटू आपका a, ठीक है, m2 इंटू a। मैं इसको दोबारा बेटा करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसको जरा समझिए एक बार, यहाँ बेटा कितना आपका लग रहा है, ये आपका 5 - 3 बराबर 2। सपोज ये 5 है, ये आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2g, है ना, m2g - t बराबर बेटा 2 बेटा कितना आपका जो उसको एक्सेलरेशन करा रहा है, m2a। तो ये बेटा सब फोर्स है, मैं इसको एग्जांपल मान के चल रहा हूँ समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे बनी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्याचो, आपकी इक्वेशन बेटा क्या बन के आपकी आ गई है, m2g बेटा आपकी। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन बन गई है, m2g - t बराबर m2a। अब बेटा देखिए हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर आपका, हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने जा रहे हैं, हम इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ने जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ना है और राइट को राइट में जोड़ना है। तो देखिए t - m1g प्लस m2g - t, तो m2g - g ये टाइप आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का एडिशन हो जाएगा, और राइट साइड का एडिशन क्या हो जाएगा आपका, m1a और प्लस m2a, ठीक है। चलिए तो यहाँ से t से बेटा t गया आपका, t से t गया, तो m2g को बेटा पहले लिख रहा हूँ, माइनस m1g को बाद में लिख रहा हूँ। यहाँ से m1a प्लस m2a हो जाएगा। यहाँ से बेटा देखिए g कॉमन है, दोनों में g कॉमन है, यहाँ से a कॉमन है, तो यहाँ से बेटा देखिए इसको, ये m2 - m1g बेटा होगा जाएगा, ये होगा जाएगा आपका m1 + m2a हो जाएगा। इसको मैं रिवर्स करके लिखना चाह रहा हूँ यहाँ से आपका, तो m1 + m2a बराबर m2 - m1g। तो यहाँ से बेटा आपकी ए की वैल्यू क्या निकल के बेटा आपकी आई है, ए की आपकी इक्वेशन बन के आपकी आई है, m2 - m1 / m1 + m2 * g। बेटा m2 हमको कितना गिवन है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा आपका m2 हमको गिवन है आपका, हमको 12 गिवन है ना बेटा, हमको m2 कितना गिवन है आपका, हमको 12 गिवन है, माइनस m1 बेटा आपका 8 है। m1 + m2 कितना हो जाएगा, 12 + 8, ठीक है, और इंटू जी के लोग 10 लेके चल रहे हैं, तो 12 - 8 आपका 4 हो जाएगा, और 12 + 8 आपका 20 हो जाएगा, और इंटू टी, तो 0 से 0 कैंसिल बेटा कट आपका कटेगा यहाँ पर आपका, है ना, 0 से 0 गया, और 2 2 जाए बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका एक्सेलरेशन कितना निकल के बेटा आपका आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स जो आपका इस दौरान जो बेटा आपका क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन बेटा आपका हो रहा है बेटा, कितना आपका हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन टू, अब बेटा जो आपकी सेकेंड इक्वेशन बेटा देखिए, ये देखिए आपकी सेकेंड इक्वेशन बेटा, यहाँ से अब बेटा इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम, टी के, अब हमको टी की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, क्या निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है आपकी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन टू बेटा, आपकी इक्वेशन टू बेटा यहाँ पे क्या आपका है, आपका m2g - t बराबर m2a। तो बेटा हमको टी निकालना है बेटा, क्या निकालना है, टी, तो टी को मैं इधर ले गया बेटा आपका, और m2a को इधर ले गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2a बेटा प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो आपका बेटा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से टी की क्वेश्चन आके आपके आ गई m2g - m2a। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है, m2 की वैल्यू 12 है, g की वैल्यू कितनी 10 है, m2 12 हो गया, और a अभी हमने 2 निकाला है, ये कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से बेटा आपका टेंशन बेटा कितना निकल के आपका आ गया, 96 न्यूटन बेटा निकल के आ गया है। तो हैंस बेटा टेंशन बेटा ऑफ स्ट्रिंग बेटा कितना निकल गया आपका, 96 बेटा, कितना निकल गया 96, और बेटा आपका एक्सेलरेशन कितना निकला आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में उसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल भी है, वहां से जाके पैच उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।